हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ रितु पब्लिक व्लॉग्स चैनल पर। तो आइए आपको दिखाती हूँ आज का हमारा रूटीन। तो आज का जो हमारा रूटीन है वो है साफ सफाई करनी है जो हमें, और ये यहाँ पर लगी है एसी। इस दीवार को यहाँ से तोड़ा था और उसके बाद में ये एसी लगी है, तो इसी से यहाँ पर ये कूड़ा कचरा फैला था और इसी को हमें आज साफ करना है। ऊपर छत पर है ये, यहाँ पर बहुत कूड़ा हो चुका था। तो ये देखिए, आज हम ऊपर छत पर साफ सफाई कर रहे हैं। वहाँ पर लगी थी ऊपर वाले कमरे में एसी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एसी लगने से वो दीवार टूटी थी, तो उससे कूड़ा बहुत हो चुका था, गंदा हो चुका था, धूल मिट्टी और हारों में भी राख इकट्ठी हो रही थी बहुत सारी। तो यहाँ पर मैं ये राख ही इस कट्टे में निकाल रही हूँ, ये सारी राख इस कट्टे में निकाल के इकट्ठा कर दूंगी और इसको ले जाएंगे फिर खेत में। काम बहुत सारा था, ऊपर छत पर संगवाना भी बहुत सारा था, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है और बहुत सारा सामान फैला हुआ था। तो यहाँ पर मैं संगवा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, राख निकाल दी है, कट्टे में भर दी है। अब लगा रही हूँ झाड़ू और सामान को उठाकर रख रही हूँ। ऐसे ही मुझको पूरी छत को साफ करना है, सामान बहुत सारा फैला हुआ है, क्योंकि हमने आज पूरी ही छत की सफाई की है। ऊपर छत पर एक रसोई भी है और कमरा भी, छोटा सा बरामदा है, तो वहाँ पर सामान बहुत ही सारा फैला हुआ था, तो उसी को हम सही करके रख रहे हैं। और यहाँ पर रखे हुए हैं ये गमले, इनको भी मैं एक साइड में हटा हटा कर यहाँ से कूड़ा निकाल लूँगी, अच्छे से पूरी छत को साफ कर दूँगी। इस कट्टे में निकाली थी राख, इसी कट्टे में ये झाड़ू लगाकर पूरा कूड़ा भर दूंगी इसी में ही, और फिर इसको खेत में डालाएंगे। धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम तो करना ही है, धूप हो या छाँव, जो काम करना है वो तो होगा ही।
ये देखिए इधर दीदी भी मेरे साथ में साफ करवा रही हैं। तो अंदर कमरे में और रसोई में हमने कर दिया है, ये बाहर वाली छत है यहाँ पर कर रहे हैं हम। इसके बाद छत को धो लेंगे क्योंकि रेता बहुत पड़ा है और बच्चे खेलते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, और फिर हवा में धूल भी उड़ती है उससे। और ये जो एक्स्ट्रा सामान था उसको हमने निकाल दिया था, जैसे गत्ते कपड़ों के डिब्बे होते हैं वो सब निकाल दिए थे। और देखिए झाड़ू लग चुकी है पूरी छत पर। अब मैं ये सारा कूड़ा इसी कट्टे में भर के रख दूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, खूब इंजॉय किया करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है, अब हम पानी डालकर छत को धो रहे हैं और बच्चे भी हमारे साथ में मस्ती कर रहे हैं यहाँ पानी में। देखिए कैसे कूद रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है बाहर तो कहीं जा नहीं सकते तो ऊपर ही छत पर खेल लेते हैं हमारे साथ। ये देखिए कितनी मिट्टी है, धूल, ये पानी से साफ कर रहे हैं हम इसको अब। ऐसे ही पूरी छत को हम साफ कर देंगे पानी डाल डाल कर झाड़ू से। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। और गांव में बहुत सारे काम होते ही हैं, अभी हम ये ऊपर छत पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। खाना हमने आज सुबह ही बना दिया था क्योंकि हमें ये छत साफ़ करनी थी, क्यों इसमें बहुत टाइम लगा है साफ़ करने में, तो इसलिए हमने आज सुबह ही खाना बना दिया था। और भी बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, छोटे बच्चे हैं, और बच्चों के साथ में दो चार काम फालतू मिल ही जाते हैं। अब तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, तो स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन अब तो घर पर ही हैं तो पूरा दिन काम मिलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो लगभग छत भी हमारी पूरी साफ हो ही चुकी है, और अब मैं कर रही हूँ जीने को साफ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, धूल, और इससे नीचे गंदा होता था जब ऊपर से नीचे जाते हैं। तो इस पूरे जीने को भी ऐसे ही साफ़ कर दूँगी, बाल्टी में पानी ले रखा है और पोछे से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, खूब इंजॉय किया करें वीडियो को देखकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जिन्ना भी लगभग मैंने साफ पूरा कर ही दिया है। तो बस आज का यही रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं।